नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ व्रत में बनाने के लिए दूसरी रेसिपी, सामे की खिचड़ी, जो हम व्रत में अक्सर बनाते हैं। ये भी आप अपने जन्माष्टमी के दिन व्रत की थाली में परोस सकते हैं बना के। और ये मैं आपको प्रेशर कुकर में 5 मिनट में, आप प्रेशर कुकर में सामे की खिचड़ी कैसे बनाएंगे इसमें आप वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सामे की खिचड़ी। इसके लिए ले रही हूँ मैं 1 कप या 1 कटोरी, जो छोटी कटोरी होती है इसके लिए ये है मैंने 1 कटोरी सामा। इसको हम अच्छे से साफ करके धो लेंगे 3 से 4 पानी से। और मैंने पालक लिया है जिसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके बारीक बारीक चॉप कर लिया है। सींग दाना ले रही हूँ मैं इसके लिए सामे की खिचड़ी के लिए। 2 ग्रीन चिली मैंने बारीक चॉप कर लिए, कटिंग कर लिए। 2 आलू ले रही हूँ मैं जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। 1/2 कप घी ले रही हूँ मैं घी में बना रही हूँ इसको सामे की खिचड़ी को, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। और 1 नींबू ले रही हूँ खटाई के लिए। टमाटर ले रही हूँ, जीरा लिया है मैंने थोड़ा सा, और कश्मीरी लाल मिर्ची ली है मैंने, हल्दी और सेंधा नमक। मैंने सामे को 3 से 4 पानी से अच्छे से धो लिया है, वॉश कर लिया है ताकि ये अच्छे से साफ हो जाए, इसकी जो गंदगी वो निकल जाए। और मैंने सामे की खिचड़ी के लिए कुकर ले लिया है मीडियम साइज का, ज्यादा नहीं है खिचड़ी, थोड़ी सी इसलिए। और मैंने आलू को अच्छे से वॉश कर लिया और इनको मैं छील के बारीक बारीक काटूंगी, और टमाटर को भी मैं बारीक काट लूंगी इस तरह से। देखिए मैंने आलू को ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा काटा है, और टमाटर को भी मीडियम साइज में काट लिया है। मैंने गैस ऑन कर दिया है, इसे कुकर चढ़ा दिया है। अब हम इसमें, हमने जो घी लिया है वो मैं डाल रही हूँ, आप ऑयल में भी बना सकते हो इसको। घी आ गया है हमारा, अब मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा डाला है मैंने 1/2 टीस्पून के लगभग। अब मैं इसमें सींग दाना भी डाल दूंगी, सींग दाना ज़्यादा घी में नहीं डाले नहीं तो सींग दाना जल जाएगा आपका। इसे मैंने फटाफट सींग दाना डाल के भून लिया उसको। अगर सींग दाना जल गया तो आपका खिचड़ी में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा इसका। अब मैं हरी मिर्ची भी जो हमने काटी थी वो भी डाल दूंगी मैं, आपको जितना अच्छा मिर्ची का चाहिए वो आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा मिर्ची चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं ग्रीन मिर्ची। मैं अब आलू भी डाल दूंगी इसमें, और इसको अच्छे से घी में सबको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अच्छे से फ्राई कर ले आलू को घी में, ऐसे में आलू भी अच्छे से फ्राई हो जाए। आप मूंगफली फ्राई करके बाहर भी निकाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको साथ में ही रखूंगी। अच्छे से फ्राई हो गए हमारा आलू। अब मैं 1/2 टी स्पून के लगभग नमक डाल रही हूँ, क्योंकि अभी इसमें हमारा पानी भी जाएगा और सामा भी जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा। और 1 टी स्पून के लगभग हल्दी डाल रही हूँ मैं, और 1 टी स्पून के लगभग मैं कश्मीरी लाल मिर्ची डाल रही हूँ जिससे हमारा कलर बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए इसको अच्छे से भूनना है आलू के साथ मसालों को। ये मिर्ची तेज नहीं है, इसका कलर बहुत अच्छा आता है हल्दी के साथ में। और अब मैं जो हमने सामा साफ कर लिया था धो के वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसको भी मैं इन मसालों और आलू के साथ अच्छे से भून लूंगी। आप व्हाइट बनाना चाहते हैं तो व्हाइट भी बना सकते हैं, इसकी जगह आप काली मिर्ची डाल दें, लेकिन मैं इसको मिर्ची वाला बना रही हूँ इसलिए मैंने हल्दी और मिर्ची डाली है। अच्छे से भूनना है इसको ताकि सामने के एक एक दाने में आपकी मसाला जो हमने डाला है घी अच्छे से जाए। इससे बनाने से इसका सामने का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है खाते समय। और अब मैं ये टमाटर भी डाल रही हूँ, टमाटर को भी मैं अच्छे से सामने और आलू के साथ में अच्छे से मसाले के साथ में भून लूंगी। खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरह से। तो मसाले हमारे भून गए हैं आलू और अच्छे से सामा। और अब मैं जिस बर्तन में सामा था मैंने डाला था उसमें थोड़ा सा सामा रह गया था पीछे, उसी में मैंने पानी डाल के 1 ग्लास के लगभग
एक से डेढ़ डेढ़ गिलास पानी मैं इसमें डालूंगी। मैं इसको थोड़ा सा गीला गीला बनाऊंगी, मुझे ड्राई पसंद नहीं है, इसलिए आपको सूखा पसंद है तो आप सूखा बनाइए, गीला बहुत अच्छा लगता है हल्का हल्का। तो मैं इसको डेढ़ गिलास पानी डाल दिया मैंने इसके अंदर और अच्छे से हिला दिया है। और अब मैं इसको ढक्कन लगा के डेढ़ गिलास पानी डाल दिया मैंने इसके अंदर। ये पानी इसके लिए इनफ है। अगर बाद में आपको ज़्यादा थोड़ा सा कम और चाहिए तो आप बाद में भी डाल सकते हैं जब ये पक जाए। आपको जितना गीला चाहिए, जितना आपको ड्राई चाहिए वैसा आप बाद में देख सकते हैं। बनने के बाद मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दिया और दो सीटी आने तक पकाना है। मैंने पालक नहीं डाला अभी क्योंकि मैं पालक को ग्रीन रखना चाहती हूँ, इसलिए अंदर अगर प्रेशर कुकर के अंदर डालेंगे हम मतलब खिचड़ी बनाते समय तो पालक हमारा मर जाएगा और मतलब ब्लैक हो जाएगा सारा पूरा और उसका स्वाद भी चला जाएगा। ये देखिए दो सीटी के बाद में हमारा सांभर बन के तैयार है और बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब मैं पालक को डालूंगी ताकि पालक का कलर बिल्कुल बरकरार रहे, ग्रीन रहे, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहे। पालक ग्रीन डालना चाहे तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं, पालक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छा लगता है सांभर में पालक। और इस तरह से ये तीनों का कॉम्बिनेशन भी, ग्रीन पालक, रेड टमाटर और येलो कलर का सांभर, जितना दिखने में सुंदर लगता है उतने खाने में ये सांभर की खिचड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप जरूर बना के देखिएगा इस जन्माष्टमी पर, आपको बहुत पसंद आएगी। तो हमारी ये सांभर की खिचड़ी तैयार हो गई है, मैं इसको प्लेट में सर्व करती हूँ। देखिए मैंने इसको ले लिया प्लेट में और मैंने एक नींबू रख दिया बीच में ताकि तो किसी को थोड़ा और खट्टा चाहिए तो डाल सके। तो ये हमारी सांभर की खिचड़ी तैयार है। तो इस जन्माष्टमी पर आप भी सांभर की खिचड़ी बनाइए और अपनी व्रत की थाली में परोसिए, आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत जल्दी बन जाती है। इससे आप अपनी व्रत की और भी चीज़ें जो आप बनाना चाहते हैं उनको भी आराम से बना पाएंगे, फटाफट प्रेशर कुकर में तैयार हो जाती है। और ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये रेसिपी बना सके। तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्ते और जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।